हमेशा देखिए कहते हैं कि आज के दिन अगर शिव की उपासना की जाए ना तो समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। मंदिरों में लोग जो हैं बेलपत्र धतूरा क्या क्या लेकर थाली में पहुंच रहे हैं। आप बताइए आपने थाली में क्या क्या देखा आज? अदिति, मैंने जो थाली ली थी उसमें वही जो भगवान आपके फूल होते हैं, बेलपत्र होता है, धतूरा होता है, गंगा जल, दूध, दही, शहद, ये सभी जो है मैंने भगवान भोले पर अर्पित किया, पूजा करी। क्योंकि मन को सुकून तब मिलता है जब आप जब तक शिवलिंग के दर्शन ना कर लो। और मैं आपको और आपके साथ जितने भी जीएनटी के दर्शक है उनको सभी को जो है एक बार दर्शन जरूर करवाना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि मेरे कैमरा पर्सन आके एक बारी जो है आप लोगों को एक बार दर्शन हो जाए, ताकि आप भी जो लोग दफ्तर में है बाहर नहीं निकल। लोग जा नहीं पाते, भीड़ के चक्कर में जो है अवॉइड करते हैं कि हम ना जाए, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है लोगों की भीड़। मनीषा चलिए जी, मनीषा लौटते हैं आपके पास। और ये तस्वीरें मनीषा दिखा रही हैं, देखिए इस मंदिर से गौरी शंकर मंदिर की सीधी तस्वीरें, सीधे भगवान शंकर के दर्शन आप कर सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हैं। आज चूंकि सावन की शिवरात्रि है, इस दिन का खास महत्व, और तमाम शिवालयों की तस्वीरें भी सुबह से ही आपको दिखा रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में शिव भक्त जो है वो खड़े हैं और अपने भोले के दर्शन करने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। चलिए इसी बीच अरविंद जी का ही रुख कर लेती हूँ। अरविंद जी कहते हैं कि सृष्टि के रचयिता भी भोलेनाथ ही हैं, और जब मोक्ष की प्राप्ति करवानी होती है तब भी भोलेनाथ का ही उसमें हाथ होता है। कोई साधारण सा सिंपल सा मंत्र जो हम सब कर सकें, ऑफिस में बैठे घर में बैठे जो लोग दर्शन नहीं कर पा रहे उनके लिए बता दीजिए। जी जी, देखिए भगवान शिव के विषय में कहते हैं कि ये सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, ये दाता हैं। और इनके विषय में कहते हैं कि कोई जीवन ले सकता है या जीवन दान दे सकता है, तो शिव के सिवाय और कोई नहीं है। जैसे हम आए हैं, कहने का तात्पर्य कि प्रभु के यहाँ से हमारा जन्म हुआ है, हम आए हैं, और जिस दिन हमारी अंतिम यात्रा होगी, जाना होगा, तो आने और जाने के जो बीच का समय होता है उसका लेखा जोखा भगवान शिव के पास ही होता है। भगवान शिव के ही यहाँ हमें लेखा जोखा देना होता है। और प्रायः देखते होंगे जो अंतिम निवास होता है, जहाँ पे व्यक्ति लास्ट में जो है मुखाग्नि पाता है, वहाँ पे भगवान शिव का ही चित्र होता है। और इसीलिए उनकी जो भस्म है, जो भस्म उनकी चढ़ती है, जो महाकाल में जो है भस्म की आरती होती है, तो उनकी भस्म चढ़ती इसीलिए है कि हे प्रिय, तुम्हें जब सब कोई छोड़ गया तो अब मैं तुम्हें अपने रोम रोम में बसा लेता हूँ। इसीलिए उनको कहते हैं सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। आने और जाने के बीच का जो भी समय है उसका लेखा जोखा, उसके साथ साथ जीवन यदि कोई दे सकता है या जीवन को जो है मृत्यु में बदल सकता है, तो शिव के सिवाय कोई और नहीं है। और कहते भी उनके विषय में है कि जो तुम तप करहु कुमारी, का नहीं मेट सकें त्रिपुरारी। भगवान शिव हर चीज को मेट सकते हैं और कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, मंत्र के विषय में आपने कहा भगवान शिव का मंत्र, संजय जी ने बहुत अच्छे से भी बताया ही है, ओम नमः शिवाय अपने आप में बहुत विशिष्ट मंत्र है। और इस मंत्र के विषय में कहते हैं अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोर घोरत रेभ्या सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्त्र रुद्र रूपेभ्या। तो इसको अघोर मंत्र के नाम से कहा गया, अर्थात विशिष्ट कहा गया। और जो रुद्राभिषेक बार बार शब्द प्रायः सभी पंडित जी लोग कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं, तो रुद्राभिषेक है क्या, इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। रुद्राभिषेक दरअसल रुद्राष्टाध्यायी के 10 अध्याय हैं, जिसमें से मेन जो है आपके 8 अध्याय हैं। तो प्रथम अध्याय से लेके और अष्टम अध्याय तक पाठ करते हैं, और 2 अध्याय और जुड़ते हैं जिनको जो है शांताध्याय और लास्ट का स्वस्ति वाचन कहते हैं। तो ये 10 अध्याय का पाठ होता है, और इस रुद्राभिषेक के करने से व्यक्ति को अपने जीवन में वह हरेक प्रकार के प्रतिफल प्राप्त होते हैं जिनके लिए वो कामना करता है, जिनके उद्देश्य से कराता है। वैसे ये यजुर्वेद का एक अंग है रुद्राष्टाध्यायी, और प्रायः जितने भी द्वादश ज्योतिर्लिंग है, जहां मान लीजिए बहुत ज्यादा भीड़ होती है वहां व्यक्ति नहीं कर पाता पूरा रुद्राभिषेक, तो प्रायः आप देखेंगे पंडित जी लोग जो है रुद्र सूक्त के जो 16 मंत्र हैं, अर्थात रुद्राष्टाध्यायी के जो पंचम अध्याय से शुरू होता है प्रथम मंत्र से लेके, और 16 मंत्र का जो है महाभिषेक कराते हैं। तो भगवान शिव के विषय में आपको कहें कि जिसको कहते हैं मनन्नात्रायते इति मंत्र, आप मन में ही उनके किसी भी मंत्र का
स्मरण करते रहें तो वह आपके जीवन की हरेक चीज को जो है प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ जो देखिए हर शब्द लगा हुआ, हर माने होता है हर चीज को हरण करना, हर पीड़ा को हरण करना, किसी भी विघ्न बाधा को हरण करना, इसलिए उनको कहा गया है हर हर महादेव। हर हर भी जो हर तरह के कष्ट, हर तरह की पीड़ा, हर प्रकार की जो है विपदाओं को नष्ट करें, और देवों के देव महादेव, जो आज आपका जो है जल का विशेष महत्व है वो है इसीलिए कि जड़ और चेतन दोनों को उनने अभय जीवन दान उस वक्त दिया जिस वक्त कालकूटक नामक विष जो है समुद्र से निकला वो उनने पिया। उनके पीने के बाद उनका जब यह ब्रह्मांड बहुत ज्यादा जो है गर्मी से जलने लगा तो उस शांति के लिए सभी देवताओं ने उनका जो है जल से अभिषेक किया। तो ये जो अपने आप में महीना है ये विशिष्ट है। आज आद्रा नक्षत्र है, बहुत ही विशिष्ट शिवरात्रि का दिन है। यह नक्षत्र स्वयं भगवान शंकर जी का नक्षत्र है और आप आज जो पूजन करेंगे यदि कुछ भी नहीं आप कर पा रहे, आप ऑफिस में हो, कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, भगवान शिव तो इतने भोले हैं कि वो एक जल मात्र से प्रसन्न होते हैं और जल भी नहीं आप चढ़ा पा रहे तो जहां जिस जगह जिस पोजीशन पे हैं सिर्फ आप जो है भगवान शिव के नाम का स्मरण कर लीजिए, उससे आपकी विपदा नष्ट हो जाएंगी। किसी भी देवता के पूरे परिवार का पूजन नहीं होता लेकिन एक शिव परिवार है जिसके प्रत्येक जो है देवता का पूजन होता है। गणेश का पूजन करते हैं आपके जीवन से विघ्न बाधा नष्ट होती है, आप नंदी का पूजन करते हैं आपको जो है अचानक किसी प्रकार से कोई प्रहार करने वाला है, आप शत्रु से विजय प्राप्त होते हैं, आप किसी प्रकार की कोई विपदा में फंसने वाले हैं उससे बच जाते हैं। माता गौरी के पूजन से आपका दाम्पत्य जीवन बड़ा खुशहालमय व्यतीत होता है। भगवान कार्तिकेय के पूजन से आपको किसी भी प्रकार से शत्रु से भय और डर नहीं रहता और किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से आपके ऊपर कोई शत्रु जो है हावी नहीं हो सकता। आप सर्प का जो पूजन करते हैं अकाल मृत्यु से बचते हैं, अचानक कोई घटना घटती है उससे आप बचते हैं। और फिर काल के जो महाकाल हैं भगवान शिव का पूजन करते हैं तो शिव माने होता है कि जैसे कहते हैं कि सभी चीजों की प्राप्ति, सभी चीजों की पूर्ति, जिनके विषय में कहते हैं सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथमनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। जो अनाथों के भी नाथ हैं, जो सनाथ हैं वह भगवान शिव ही हैं और जो जगत पिता कहे गए हैं वो भगवान शिव ही हैं। तो आप किसी भी रूप में आप भगवान शिव का स्मरण करें, वो इतने भोले हैं कि निश्चित रूप से आपके जीवन की हर चीज को प्रदान करेंगे, हर आवश्यकता को पूर्ण करेंगे। आपके जीवन में मनोभिलषित जो भी आपकी कामना है वह सभी कामना को पूर्ण करेंगे।